ठीक है ना। हाँ हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का लेक्चर नंबर 10 है। ठीक, ये हमने कल डिस्कस किया था कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो थीटा 0 और 180 होंगे, तो उसमें कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा। ओके, यहाँ पर थीटा 90 डिग्री है, इसका मतलब है कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पर एंटर कर रहा है। ये हमने क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बनाया है, ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। ठीक, इसमें ये चार्ज पार्टिकल, ये इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस कराया है, बाहर से एंटर नहीं है। बाहर वाले केस हम कराएंगे बाद में, ठीक है ना। तो ये जो प्लस चार्ज होता है, जिधर ये मोशन करता है वो करंट का मोशन होता है। इसमें फोर्स का डायरेक्शन हम दो रूल हैं उसके, एक तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है और दूसरा राइट हैंड पाम रूल भी है। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको मालूम है स्टार्टिंग से, कि इसमें थंब के डायरेक्शन में फोर्स होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है ना, ये वाला, और ये करंट होता है फिंगर, ठीक है ना। फोर्स फादर मदर और चाइल्ड। ठीक, यहाँ पर आप चेक करें, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इनवर्ड है। ओके, ये करंट का डायरेक्शन है, फोर्स इधर को लगेगा ऊपर की तरफ, हमने ये डायरेक्शन बना रखा है। ये इस फोर्स की वजह से ये यहाँ टर्न ले जाएगा। अब इस पॉइंट पर जो फोर्स होगा वो इधर को लगेगा, इस पॉइंट पर फोर्स इधर लगेगा, यानी कुल मिला के जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो ये सर्कुलर मोशन करेगा। और आपको कल बताया था कि यहाँ स्पीड चेंज होती नहीं है, इसलिए यहाँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा। यहाँ एक बात और ध्यान दें कि फोर्स यहाँ पर वेलोसिटी के ऑलवेज 90 डिग्री पर है। यहाँ पर वेलोसिटी इधर होगी, यानी करंट का डायरेक्शन ये होगा, यहाँ पर वेलोसिटी इधर होगी। ध्यान रहे, अगर ये चार्ज निगेटिव ले लेंगे तो करंट का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, तब क्या करेंगे आप? हाँ, उल्टा हो जाएगा। देखो, इधर मैग्नेटिक फील्ड ये है, करंट इधर, फोर्स नीचे लगेगा, तब ये सर्किल नीचे को बनेगा और फिर यहीं पर आ जाएगा। बात समझ गए ना? तो हाँ, वो हो जाएगा। तो एक चीज और है, यहाँ पर फोर्स ऑलवेज 90 डिग्री है, यहाँ फोर्स का काम क्या है? केवल डायरेक्शन को चेंज करना है। समझ गए ना बात? ये वो स्पीड रिमेंस कॉन्स्टेंट रहेगी, स्पीड चेंज नहीं होगी। समझ गए होंगे ना? आपने डायग्राम बना लिया है, आप नेक्स्ट नोट करें आगे। इफ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग, इफ चार्ज्ड पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर, टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस ए मैक्सिमम फोर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमने सिंबल बना रखे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लिखे हैं, बी पर वेक्टर लगाएं, परपेंडिकुलर का सिंबल बनाया करो, जल्दी लिख जाता है उससे, ठीक है ना। इट एक्सपीरियंस ए मैक्सिमम फोर्स, शॉर्ट टर्म बना लिया करो लिखने के, समझ गए ना। मैक्सिमम फोर्स आपको कल बताया था, यहाँ ये क्यू बी भी साइन थीटा है, थीटा 90 डालेंगे तो फोर्स मैक्सिमम होगा। इट एक्सपीरियंस ए मैक्सिमम फोर्स विच एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज वेलोसिटी, विच एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज वेलोसिटी। आपको मालूम होगा कि जब भी फोर्स 90 डिग्री पर एक्ट करता है वेलोसिटी के, तो पार्टिकल फिर सर्किल में मूव करता है। सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा ये फोर्स सर्किल में घूमने के लिए, ठीक है ना। तो क्या लिखा? हेंस दिस फोर्स विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स, हेंस दिस फोर्स विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स एंड चार्ज पार्टिकल, सेंट्रीपेटल फोर्स एंड चार्ज पार्टिकल विल डिस्क्राइब ए सर्कुलर पाथ। विल डिस्क्राइब अ सर्कुलर पाथ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर लिख दो, सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। तो हाँ, अभी निकाल लें, वही फार्मूले सिलेबस में है। ये आप समझ गए ना कि सर्किल का डायरेक्शन ये होगा,
ये इस टाइप का कोई भी मैटर हो, जैसे मान लो चलो पूछते हैं ये डॉट है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है इतनी, हाँ ये आउटवर्ड है ठीक। अब इसमें बताओ जरा, प्लस क्यू चार्ज मूव कर रहा है, वी वेलोसिटी से गया, अब किधर फोर्स लगेगा, लगाओ जरा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अपवर्ड या डाउनवर्ड। अरे वेलोसिटी ये मतलब करंट का डायरेक्शन होता है, जिधर प्लस चार्ज मूव करता है वही करंट का डायरेक्शन है, डाउनवर्ड लगेगा, वो तो इसका अपोजिट हो गया जस्ट, तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर जाएगा सर्किट में, समझ गए ना बात। ये इसी तरह से अगर माइनस है प्लस है वो आप अपना सेट करके निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक जो फोर्स है आपका, सेंट्रिपेटल फोर्स का फार्मूला याद है किसी को क्या होता सेंट्रिपेटल फोर्स का फार्मूला, एम बी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, आर रेडियस है सर्किल की, ठीक है, और मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या है ना, बायो सेवर्ट लॉ मैग्नेटिक फोर्स देता है, बायो सेवर्ट लॉ क्या देता है, वो केवल मैग्नेटिक फील्ड बताता है मैग्नीट्यूड, ये है फार्मूला ऊपर ही लिखा हुआ है, क्यू वी बी साइन यहाँ पर 90 हो जाएगा, तो क्या होगा क्यू वी बी, अब ये दोनों इक्वल कर दो क्योंकि सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाई मैग्नेटिक फोर्स एम बी स्क्वायर बाई आर, वेलोसिटी कैंसिल करो, रेडियस आर इज इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी, जल्दी लिखें फटाफट, रेडियस आर इज इक्वल टू, फार्मूला लर्न रखना है। अरे सेंट्रिपिटल फोर्स यहाँ कौन दे रहा है सर्किल में मूव करने के लिए, यही देगा मैग्नेटिक फोर्स, आपने उसमें सर्कुलर मोशन में पढ़ा था ना, जैसे अर्थ के सन जो है वो सन, आप सन के चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व कर रहा है तो कौन देता सेंट्रिपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, समझ गए ना। ऐसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, वहाँ सेंट्रिपिटल फोर्स कौन देता है, कूलम फोर्स, तो वो आगे चैप्टरों में आएगा, ये समझ गए ना बात। रेडियस आप कैलकुलेट कर लेंगे, इससे टाइम पीरियड भी निकालना है रोटेट होने के लिए, टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू, इसको हटा दें यहीं पर लिख दे रहे, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा टोटल एक राउंड लेने में, 2πr, टाइम पीरियड लिख देना 2πr डिवाइडेड बाई स्पीड v, r की वैल्यू डाल दो, r होगा एम बी बाई क्यू बी, वेलोसिटी कैंसिल हो गया, 2πm अपान क्यू बी, ये टाइम पीरियड बना जाते हैं 2πm अपान क्यू बी, कहाँ पर टाइम पीरियड लिखा है, यहाँ पर देख लो 2πr अपान बी है, r की वैल्यू पुट अप कर दो, mb अपान क्यू बी जो अभी आपने निकाली है, ये 2πm अपान क्यू बी हो गया, ठीक है। और एंगुलर वेलोसिटी भी कभी कभी पूछ देते हैं, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है बोलो, किसके इक्वल है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 2π बाई टी, ये टी की वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर दो तो 2π कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा क्यू बी अपान एम, क्यू बी अपान एम, बस एंगुलर वेलोसिटी। न्यूमेरिकल है चैप्टर में, टाइम पीरियड साइक्लोट्रॉन में यूज है, ये लिख दिया है क्यू बी बाई एम, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2π बाई एम, हाँ हाँ ये बोर्ड सिलेबस का है सारा। यहाँ पर यहाँ जरा पॉइंट नोट करें, रेडियस का जो फार्मूला आपने नोट किया है r इज इक्वल टू एम बी वाई, बिल्कुल लर्न रहना चाहिए फार्मूला, हाँ मास m, v वेलोसिटी, q चार्ज और b मैग्नेटिक फील्ड,
प्रूफ कर चुके हैं ना, 2 पाई m अपान क्यू बी, तो 2 पाई कैंसिल हो गया, क्यू बी बाई एम आ गया। यहाँ देखो ये जो आर है ये मास है, यहाँ स्पीड है, चार्ज है और मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल का। आप लोगों को मालूम होगा कि मोमेंटम पी जो इक्वल टू एम वी होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं मोमेंटम, तो ये फार्मूला पी अपान क्यू बी भी बन जाएगा। अब न्यूमेरिकल जैसा दिया हो, अगर मास दिया है, वेलोसिटी दी है तो ये लगाएं स्पीड, मोमेंटम दिया है तो ये लगाएं, मोमेंटम भी दे देते हैं ना कभी कभी। देखें एक और आपको ध्यान होगा कि जो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन याद है, देखो इधर काइनेटिक एनर्जी के होती है हाफ एम वी स्क्वायर, हम यही बना दे रहे हैं, इसमें मास मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में, ये बन जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 2 m, तो पी जो इक्वल टू √2 m k। यहाँ पर एक फार्मूला ये भी बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। देखो तुम्हारे ये फार्मूला आ गया समझ में? अरे ये तो अभी ड्राइव किया है, ये क्या समझ में आएगा, अभी तो लिखा है। आर इतनी जल्दी अलर्ट होके नहीं देख रहे हो, आर एम बी बाई क्यू बी है। अरे रेडियस, रेडियस अभी तुमने ड्राइव किया ना, सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जरा ध्यान दें, माइंड को यहीं रखें, आर एम बी बाई क्यू बी है। यहाँ देखो ये क्या होता है मोमेंटम, तो यहाँ पी लिख दिया, ओके, अगर मोमेंटम गिवन है तो ये लगाओ, ओके। यहाँ देखो मोमेंटम होता है एम बी, काइनेटिक एनर्जी को के लिखा, ये किसके इक्वल होती है, हाफ एम बी स्क्वायर के, मास मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। अरे मास मल्टीप्लाई करो, एक मास ऑलरेडी लिखा हुआ है, मास और मल्टीप्लाई कर दोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, नीचे तो 2 है, यहाँ पर ये 2 लिख दिया, कह तो रहे ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मास को मल्टीप्लाई करो, ये एम बी की जगह पी लिखो, तो भी ये क्या बना, पी स्क्वायर अपॉन 2m, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो पी क्या हो गया, √2 m k, ये लिखा हुआ है, समझ में आ गया ना। आप पी की जगह यहाँ ये वैल्यू डाल दो, ये कब लगेगा, जब काइनेटिक एनर्जी गिवन हो, ठीक। अब यहाँ रुको 1 मिनट, ये नोट किया, तुम लेट करते हो बहुत यार काम। अरे वो मालूम है वीडियो में बोर हो जाएंगे लोग देख के, इतनी क्या चल रहा है। जल्दी नोट करें, अक्षत जरा बताना, अगर कोई क्यू चार्ज पोटेंशियल वी से हम एक्सीलरेट कराएं, वोल्टेज वी ले लो, तो एनर्जी कितनी गेन होती है, क्यू चार्ज है पोटेंशियल वी से अगर एक्सीलरेट कराएं तो एनर्जी कितनी होती है, गेन्ड बाई द पार्टिकल, इलेक्ट्रोस्टेट में पड़ा है, क्यू वी, क्यू में मल्टीप्लाई कर दो। हाँ पहले बताओ पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और चार्ज मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, वर्क डन होगा, वही एनर्जी होती है। ये फार्मूला भी नहीं हटाएंगे, ये डाटा हटाना, ये लिख दिया आपने। एक फार्मूला और है, हाँ इधर ध्यान दें, यहाँ पर बाकायदा लिखें, यहाँ पर इफ लिखिए, इफ चार्ज क्यू एक्सीलरेटेड बाई पोटेंशियल वी, हम पोटेंशियल वी वोल्ट को सीधे वोल्ट लिखेंगे क्योंकि यहाँ वी वेलोसिटी ले रहे हैं ना, तो इसलिए वी को ध्यान रखना कि पोटेंशियल, और उसमें हम वोल्ट लिख देंगे सीधे कि जितना वोल्टेज आएगा वो मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना। तो एनर्जी गेंड बाय द पार्टिकल लिखो, एनर्जी गेंड बाय पार्टिकल, पार्टिकल मतलब चार्ज पार्टिकल, होती है क्यू वी। अब वी जो है वो वोल्ट में है, तो यहाँ पर हम वोल्ट लिख देंगे सीधे, जिससे कि तुम्हें वेलोसिटी और उसमें कंफ्यूजन ना हो, न्यूमेरिकल में लिखा होगा इतने वोल्टेज है। आ गया समझ में, आप समझ गए ना बात, ये फार्मूला इलेक्ट्रोस्टेट का है, तो काइनेटिक एनर्जी जो के होगी वो क्यू वी हो जाएगी, ठीक। तो यही फार्मूला हमारा बन जाएगा √2 m k
एक ही जगह क्यूबी डालना है, क्यूबी की जगह हम वोल्ट लिख दे रहे हैं सीधे, जिससे तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। ये क्यू कैंसिल करेंगे, क्यू जो है वो आप चाहें तो कैंसिल। हाँ बोल। ये फार्मूला इलेक्ट्रोस्टेट में है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल क्यू बी वोल्ट के बीच में एक्सीलरेट कराते हैं तो एनर्जी गेंड बाय द पार्टिकल क्यू बी होती है, पोटेंशियल डिफरेंस है हालांकि भी वो। आपको याद होगा इसी से ई बी बना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वन इलेक्ट्रॉन वन वोल्ट में एक्सीलरेट कराओ तो एनर्जी गेंड बाय द इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। हाँ ये वही फार्मूला है, उसमें ई मल्टीप्लाई ई लिख दो तो ई बी हो जाएगा। समझ गए ना? इसमें अगर आप करना चाहें तो ये फार्म बुक्स में दी रहती है, ये क्यू को अंदर ले जाएं स्क्वायर बन जाएगा, ट्वाइस एम वोल्ट अपॉन क्यू हो जाएगा। मैथमेटिकल रिलेशन ये लिख लिया दोनों, ठीक। इस पर हम अभी डिस्कस करेंगे। ये लिख लिया क्यू बी वाला नीचे, ठीक। हमने के की जगह क्यू बी डाल दिया है और कुछ नहीं किया, बी को बाहर ले लो, क्यू को अंदर ले जाओ तो क्यू स्क्वायर होगा और एक क्यू कैंसिल हो जाएगा, क्यू बच जाएगा नीचे। मैथमेटिकल बहुत वीक है पॉइंट तुम्हारा। अरे ये क्वांटिटी रूट में है, ये रूट में नहीं है तो इसको रूट में ले जाओगे तो स्क्वायर नहीं बन जाएगी, बाद में पूछना आप। अब ऐसे लिख लो, नहीं तो वहाँ वीडियो में बताएंगे बच्चे कौन बैठे हैं क्लास में। हाँ अच्छा, तो ये जो फार्मूला है, ये जो हमने लिखा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें ध्यान दें, हमारी बात को सुनने की आप कोशिश करें, क्योंकि बार बार न्यूमेरिकल में इसकी ज़रूरत पड़ती है फार्मूले की, ठीक है। इसमें इस टाइप के फार्मूले बहुत आए हैं। अभिजीत बंद कर दो लिखना, में ये ध्यान दें बात पर ना, आप अपना लिखना बंद करें। ये जैसे मान लो दो चार्ज पार्टिकल हैं, दो होंगे तीन हो सकते हैं, अल्फा पार्टिकल ले लिया, प्रोटॉन ले लिया, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करा दिया, ठीक। अब वो पूछते हैं मान लो उनका मोमेंटम सेम है तो रेडियस का रेशियो बताओ, तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। बहुत ध्यान से समझ लेना बात को, ठीक है ना? तो ये यूज करेंगे, क्यों? मोमेंटम कांस्टेंट है इसलिए, तो पी कांस्टेंट। अरे मोमेंटम इक्वल है लिखेंगे क्वेश्चन में, उनको कुछ भी लिख दें उससे क्या तुम्हें मतलब है। अरे एक प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, एक बता रहे थे कि जैसे मान लीजिए कोई मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें न्यूमेरिकल आपके चैप्टर में दिए हुए हैं, उसमें वो क्या करते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल एंटर कराया वो प्रोटॉन ले लिया, अल्फा पार्टिकल ले लिया और न्यूट्रॉन ले लिया, तो इनके मास और चार्ज ध्यान रखने पड़ेंगे। अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है और न्यूट्रॉन 1s2 होता है, आइसोटोप है हाइड्रोजन का, और ये आपका हमने लिया है सॉरी प्रोटॉन, ठीक है। तो इसका तुम्हें मालूम है मास, ये 2he4 है, यानी इसके 4 टाइम्स मास है और चार्ज इसका 2 टाइम्स। आप समझ गए ना? आप जरा समझें, इस टाइप के दो तीन पार्टिकल न्यूमेरिकल में दिए होंगे, शॉर्ट आंसर में है, एक्सरसाइज में है, सब जगह भरे हैं क्वेश्चन। ये जब एंटर कर रहे हैं तो मान लो क्वेश्चन में दिया है, ध्यान से समझना, मोमेंटम सेम है, रेडियस का रेशियो बताओ, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला यूज करें, पी अपान क्यू बी, इसके चार्ज डाल दें, बी सेम होगा, वो कट जाएगा मोमेंटम, वो इसीलिए यूज करेंगे। अगर वो ये कहें कि काइनेटिक एनर्जी सेम है तो ये लगाएं, इसमें मास भी पड़ेगा और चार्ज भी पड़ेगा। अगर वो ये कहें कि चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट कराया गया है 100 पोटेंशियल वोल्ट से या इससे, तो फिर ये वाला यूज करें। आप बात समझ गए ना? कोई सा हो, मतलब आप ध्यान रखें ये न्यूमेरिकल में बहुत यूज होता है, ठीक है ना? फार्मूला यहाँ से लगा के कम्पिटिटिव तक में काफ़ी यूज है इसका। बोर्ड नहीं, डायग्राम नहीं बनाएंगे, बस तीन पार्टिकल हैं, आप ध्यान रखें, कोई ज़रूरत नहीं डायग्राम बना दो अगर बनाने का मन है तो। ये तो हमने ऐसे दे दिया, ये वेलोसिटी, हाँ मोमेंटम मान लो दे दिया, इसका भी मोमेंटम पी, इसका भी। ये तो हमने तीन पार्टिकल लिख दिए हैं, प्रोटॉन, प्रोटॉन तुम्हें मालूम है ये 1h1 होता है, ये अल्फा पार्टिकल 2he4 होगा और ये वाला 1h2 होता है, 1h1 है हीलियम, अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस है, इसका मास जो है 4 टाइम्स होगा प्रोटॉन का और चार्ज 2 टाइम्स। हाँ
वो तो क्वेश्चन में देंगे अपना है। अरे ये तो हमने जनरल लिख दिया कि मोमेंटम सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, वोल्टेज सेम है, उस हिसाब से क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप अपना देखना थ्योरी में, जो है न्यूमेरिकल लगाओगे वहाँ काम आएगा। यहाँ पर जो टाइम पीरियड का फार्मूला आपने ड्राइव किया है, वो फार्मूला क्या था टी का, टाइम पीरियड का? 2 पाई m/qb। जरा समझे बात को, टी है 2 पाई m/qb, इसमें वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब टाइम पीरियड वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर कोई दो चार्ज पार्टिकल, यहाँ बताओ जरा मुझे, यहाँ हम दो चार्ज पार्टिकल एंटर करा रहे हैं, एक की वेलोसिटी v1 है, एक की v2 है, और v1 ग्रेटर देन v2 है, तो वेलोसिटी पर तो डिपेंड करेगा नहीं, बाकी सेम रख लो, अलग दें तो वो देख लेना, ठीक है। सेम पार्टिकल कर रहे हैं, खाली वेलोसिटी अलग कर दे रहे हैं v1, लेकिन वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है। दोनों पार्टिकल जब यहाँ पर एंटर करेंगे, ध्यान देना, रेडियस लेकिन जो होती है वो है वेलोसिटी पर डिपेंडेंट। इसकी रेडियस ज़्यादा होगी अभिजीत, क्योंकि v1 ग्रेटर देन v2 है, तो पहले वाले पार्टिकल की ज़्यादा होगी। क्या होगा, पार्टिकल यहाँ से घूम के यहाँ आएगा, लेकिन जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है उसका रेडियस बड़ा होगा। ये रेडियस r1, वेलोसिटी ऊपर है, यहाँ पर v1 ग्रेटर देन v2 है, v1 ज़्यादा तो रेडियस बड़ा होगा, समझ गए ना। तो इसका मतलब है कि r1 ग्रेटर देन r2 होगा, लेकिन t1 = t2 होगा, एक ही टाइम पर वापस आएगा, समझ में आ गई बात। क्योंकि वो वेलोसिटी ज़्यादा है, टाइम उसी हिसाब से सेट कर लेगा, समझ गए ना। रेडियस v1 ग्रेटर देन v2 होगा, r1 ग्रेटर देन r2 होगा, लेकिन t1 = t2 होगा, समझ गए ना बात। ये इसको आप नोट कर लें फटाफट। हाँ, ये टाइम पीरियड का फार्मूला है, ये रेडियस हमने टी लिखा है, और v1 ग्रेटर देन v2 है। डायग्राम भी जरूर बना लेना, v1 और v2 यहाँ पर नोट कर देना। ऊपर वाला की स्पीड v1 है और इस वाले की स्पीड v2 है। एंगुलर वेलोसिटी भी टाइम पर डिपेंड उस पर नहीं करेगी, स्पीड पर डिपेंड। बना लिया, जरा एक लाइन लिख दो नीचे। एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड, एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड, एंड टाइम पीरियड आर इंडिपेंडेंट। ऑफ द रेडियस एंड वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड आर इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस एंड वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड आर इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट पॉइंट नोट करें, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। हैंस स्पीड ऑफ पार्टिकल, ये हमने कल भी तुम्हें नोट कराया था कि फोर्स परपेंडिकुलर है इसलिए कोई वर्क डन नहीं होगा। हाँ, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, हैंस स्पीड ऑफ पार्टिकल और काइनेटिक एनर्जी रिमेंस अनचेंज्ड। फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, हैंस स्पीड ऑफ पार्टिकल और काइनेटिक एनर्जी रिमेंस,
हाँ, काइनेटिक एनर्जी रिमेंस अनचेंज लिखा है, एक ही बात है। हाँ, ओनली चेंज इट्स पाथ फ्रॉम लिनियर टू सर्कुलर। ओनली चेंज इट्स पाथ फ्रॉम लिनियर टू सर्कुलर। टू सर्कुलर, स्ट्रेट आ रहा था, सर्किल में घूमने लगेगा भाई, ठीक है ना। और ये जिस जगह पर आप प्रोड्यूस कराएंगे ना फील्ड के अंदर, अगर बाहर से भी होता तो उसी पॉइंट पर वापस आता है। जैसे यहाँ से हुआ प्रोड्यूस, घूम के फिर हैं, फिर घूम के हैं, समझ गए ना बात। ये नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, प्लेन ऑफ सर्किल, प्लेन ऑफ सर्किल। हाँ, वो हम बता देंगे, हम इसको बता के बताएंगे। ऑन कर दिया, देखो जरा, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, ठीक। ये मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए आप एक्स वाई जेड ले रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड किधर है, जेड डायरेक्शन में, ठीक। तो जो सर्किल होगा वो किस में होगा, एक्स वाई प्लेन में। अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्स में होगा तो सर्किल किधर होगा, वाई जेड प्लेन में। अगर वाई में होगा तो एक्स जेड प्लेन में सर्किल बनेगा, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पर। इसका मतलब आपने नोट किया है कि प्लेन ऑफ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इफ, ठीक है ना। इफ बी इज अलॉन्ग जेड डायरेक्शन, सर्कुलर पाथ विल बी इन अलॉन्ग एक्स वाई प्लेन। और ध्यान रखना कि जैसे अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो इसमें हमेशा वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स कंपोनेंट और दूसरा वाई कंपोनेंट, यानी वी एक्स आई और वी वाई जे। ये बात आपको थोड़ा सा बोर्ड में तो इनिशियल है सिलेबस में, लेकिन कम्पिटिटिव में काफ़ी काम आएगा, ठीक है ना। बेसिक चीज है उसकी, कोई फार्मूला नहीं है। एक्स कंपोनेंट के साथ आई लगाते हैं, वाई कंपोनेंट के साथ जे लगाएं, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपको मालूम, रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर होगा। कहीं कहीं ये फार्मूले ध्यान रखना कि चार्ज अपान मास के रेशियो में भी दिए जाते हैं, स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं इसके में भी, यानी क्यू बाई एम की जगह अल्फा डाल देते हैं ये लोग। ये जो है, नहीं, हम ये बता रहे हैं कि फार्मूले जो है कहीं कहीं पर क्यू बाई एम की जगह अल्फा डाल देते हैं। हाँ, चार्ज पर यूनिट मास, चार्ज पर यूनिट मास, स्पेसिफिक चार्ज भी लिखते हैं कहीं कहीं पर। चार्ज पर यूनिट मास, यानी अल्फा के टर्म्स में लिख देते हैं फार्मूला। जैसे रेडियस है, रेडियस क्या होता है बोलो, एम बी वाई क्यू बी, तो क्यू बाई एम की जगह अल्फा, इसका मतलब वी अपान अल्फा बी, अपान में है ना, इसलिए जो है वो क्यू अपान ये हो जाएगा। अरे ये बात समझ में। अब जरा एक पॉइंट देखें, जब तक चल रहा है कर रहे हैं, देखो, ठीक है। ये मान लो जरा, अब जी ध्यान में, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ठीक है। मान लो मैग्नेटिक फील्ड ये है, जरा ठीक से समझना बात, मैग्नेटिक फील्ड ये है। अब की बार चार्ज पार्टिकल को क्या किया, इसमें कितने एंगल पर भेजा था मैग्नेटिक फील्ड से, 90 पर, यानी इस प्लेन पर था चार्ज पार्टिकल, यहाँ था एक्स में या वाई में, ठीक। मान लो हमने चार्ज पार्टिकल को एंगल पर भेजा, ये इसी से समझ में आएगा, ध्यान रखना, डायग्राम नहीं समझ में आएगा इसलिए यहीं पर समझे बात को। मैग्नेटिक फील्ड जेड में है, चार्ज पार्टिकल ये भेजा, ये, ठीक, ये एंटर कराया चार्ज पार्टिकल, ठीक है। अब ये मान लो यहाँ से अल्फा एंगल बना रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड से, तो ब्लास्टी का कंपोनेंट ये ब्लास्टी है, वी इधर एंटर कराया, तो ब्लास्टी के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा इधर वी कॉस अल्फा, इधर होगा वी साइन अल्फा, समझ गए ना। थीटा ले लो, अल्फा ले लो, बीटा ले लो, क्या फर्क पड़ता है, अल्फा ले लिया, ठीक है ना। तो इधर वी कॉस अल्फा होगा, इधर वी साइन अल्फा होगा। ध्यान दें, जो कंपोनेंट वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा उसमें कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा, इसलिए वेलोसिटी के इस कंपोनेंट की वजह से ये ऊपर उठेगा, क्योंकि वेलोसिटी का ये वेलोसिटी है, इसका एक कंपोनेंट इधर है तो नेचुरल है ऊपर को जाएगा। दूसरी बात समझें, ये क्या करेगा, कंपोनेंट सर्किल में घुमाएगा इधर, हाँ एक मिनट, हम बता रहे हैं, सर्किल में ये घुमाएगा। सर्किल में घुमाने का मतलब कौन सा प्लेन होगा सर्किल का,
मैग्नेटिक फील्ड किधर है? ये जेड है, एक्स वाई जेड बोले केवल, ये जेड है। तो प्लेन किधर होगा सर्किल का? एक्स वाई। देखो इधर, अगर ब्लास्टी इधर होती तो यही घूमता ऐसे, लेकिन अब मालूम क्या करेगा, ऐसे घूमेगा। अरे ऊपर जाएगा क्योंकि वी कॉस थीटा ऊपर ले जाएगा, समझ गए ना बात? ये हेलिकल पाथ है, स्प्रिंग की तरह बनेगा इधर देखो, लेकिन ये वाला कंपोनेंट सर्किल में घुमाएगा, ये ऐसे करके लिए जाएगा ऊपर को, समझ गए ना बात? ये हेलिकल पाथ है। और ये केस थर्ड है इसका कि जब, हाँ ये वो केस है जिसमें हम चार्ज पार्टिकल को जब एंटर कराएंगे तो अदर देन जीरो नहीं है, बने। दूसरी चीज, अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होता एक्स, और एंटर करा दो, हम कई तरह से समझा रहे हैं, ये देखो एंटर करा दिया, ठीक। अब क्या होगा, ये एंगल अल्फा, ठीक है। तो जब ये एंटर करेगा तो इसके कंपोनेंट इधर क्या होगा, वी कॉस अल्फा होगा, इसके 90 पर वी साइन अल्फा, इसके वजह से ये सर्किल में घूमेगा और ये इसे आगे ले जाएगा ऐसे। हाँ अल्फा ये है, ये और मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या हुआ, वी कॉस अल्फा, इधर क्या